बिल्कुल करेंगे सर। अगर एबीपी न्यूज सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं करते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप सीएजी पे भरोसा नहीं करोगे क्या? क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात को नहीं मानोगे? फ्रांस गवर्नमेंट के भारत सरकार ने पार्लियामेंट जहां पर इतने शब्द कहे वो भी नहीं मानोगे? और आप इतने इतने बायस है। और मैं सीधा आज अभी एबीपी पर आरोप लगाता हूं। मेरा आरोप ये है, एकजुट जो कहीं सिद्ध नहीं हुआ, झूठ बोलने वाले को सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। इतने बड़े स्वतंत्र मीडिया की बातें करने वालों लोगों ने 6 महीने से झूठ चल रहा है, एक सवाल नहीं पूछा है। पार्लियामेंट में सारे जवाब हमने दिए हैं, फिर भी नहीं पूछने की हिम्मत आपने नहीं बताई। आपकी क्या मजबूरी है आप जाने। दूसरा, कहीं किसी कोने में सोशल मीडिया में भी एक आध चीज बुरी आ जाए तो आप 24 घंटे का हेडलाइन न्यूज बनाते हैं, लेकिन पिछले 10 दिन में ऑनलाइन मैगजीन में इस परिवार के ऊपर सबूतों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, सबूतों के साथ, सबूत के सोर्स उसमें लिखे हुए हैं। कल देश के वित्त मंत्री ने उस ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके एबीपी ने ब्लैकआउट किया, आपके एबीपी ने इस पर चर्चा नहीं की। आपकी एबीपी एक झूठी खबर के लिए देश के प्रधानमंत्री को सवाल पूछने के लिए हिम्मत कर सकती है और आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन आपका एबीपी वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्लैकआउट करे, आपका एबीपी वित्त मंत्री के इन आरोपों का उल्लेख ना, और आप उस परिवार से न जवाब मांगते हैं, क्या मजबूरी है आप लोगों की? क्यों सच बार नहीं लाते हो? आपको अगर हम लीगल एक्टिविटी करें तो भी पहला सवाल वहीं से शुरू किया कि आप परिवार के खिलाफ क्यों कर रहे हो, आखिर सवाल भी आप वही लेकर के आए। मैं हैरान हूं कि आप लोगों की क्या मजबूरी है। नहीं प्रोफेसर साहब, कोई मजबूरी नहीं है, हमारा काम सवाल पूछना है, वो जब मिलेंगे तो उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। मैं सीधा आरोप, कल का वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा आप पे आरोप लगाता हूं जी, और आपके कैमरा के सामने।